हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है कच्चे पपीते का हलवा, जो ऐसा है कि आपके गाजर के हलवे को भी स्वाद को भुला देगा और बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद है। आइए देखिए रेसिपी। हमने 1 पाव कच्चा पपीता लिया है और 100 ग्राम शक्कर ली है, 50 ग्राम फीका मावा लिया है, कुछ गुलाब की पत्तियां, काजू, कुटी हुई इलायची, बादाम, पिस्ता और घी लिया है। कच्चे पपीते में जो बीज है और ये दाने दाने हैं, इस भाग को हम निकाल देंगे। पहले इस तरह 2 भाग कर लिए। अब इन सभी बीजों को हम निकालेंगे। और इसकी और पतली फांक करेंगे और इसके अंदर जो ये व्हाइट व्हाइट पत्ती है, इसे भी पूरी निकाल लेंगे अच्छी तरह। और इसे ऊपर से छीलेंगे। पपीते की स्लाइस करके हमने इसे कस लिया है। कढ़ाई में घी डालेंगे। घी गरम हो गया, अब इसमें हम कसे हुए पपीते को डालेंगे। पपीते को घी में भूनेंगे। पपीता भून चुका है, अब इसमें हम शक्कर डालेंगे और अच्छी तरह हिलाएंगे। दस मिनट के लिए इसे ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाएंगे। पपीते ने पानी छोड़ दिया है, हम देखेंगे कि पपीता पक गया है क्या। पपीता पक गया है, अब इसमें हम पानी को रहने देंगे। हमें पूरा पानी सुखाना नहीं है और इसमें हम मावा डालेंगे। अच्छी तरह हिलाएंगे धीरे धीरे। पपीते और मावे को अच्छी तरह मिला लेना है हमें। अच्छी तरह मावा मिल चुका है, अब इसमें हम काजू डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, बादाम डालेंगे, और इन गुलाब की पत्तियों को मसल के डालेंगे। अच्छी तरह हिलाएंगे। पिस्ता डालेंगे, अच्छी तरह हिलाएंगे। हलवा बनके तैयार है, सर्व करेंगे। कच्चे पपीते का हलवा बनके तैयार है। ये रेसिपी आप घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप कमेंट करके जरूर बताएं ये आपको रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।